हेलो यूट्यूब, तो कुछ दिन पहले हुआ ये मेरे साथ, ये कि मतलब आप जो मेरे सामने ये चिमटा देख रहे हैं, दो चिमटा, तो मैं ये आप एम्पलीफायर देख सकते हैं, तो इस एम्पलीफायर को मैं अक्सर छेड़छाड़ करते रहता हूँ। तो मैं पिछले बार जब मैंने इसके साथ छेड़छाड़ किया था तो मैंने किया यह था कि मतलब इसको अपग्रेड किया था, तो यानी कि मैंने इसमें कुछ ट्रांजिस्टर जुड़े थे एक्स्ट्रा। तो मैंने ये चेक करने के लिए कि वो ट्रांजिस्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कितना ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, मैंने इसके जो है आउटपुट को शॉर्ट कर दिया था इसके इस चिमटे के ज़रिए। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब इस चिमटे से आवाज़ आने लगा, जो गाना मतलब प्ले हो रहा था वो गाना इस चिमटे में हल्का सा प्ले होने लगा, तो मुझे ये अजीब लगा यार कि मतलब इस चिमटे में प्ले हो रहा है। फिर इसका बाद में मतलब मैंने रीज़न ये निकाला है कि ये प्ले इसलिए हो रहा था क्योंकि जब मैंने इसे चिमटे से शॉर्ट किया था तो इसके थ्रू होके बहुत ज़्यादा जो है सो हैवी करंट गुजर रहा था और चिमटा जो है सो गर्म भी हो गया था, तो और लाल भी हो गया था, ये देखिए अब काला काला हो गया है इस चिमटे में। तो जब इससे बहुत ज़्यादा करंट गुजर रहा था तो ऑब्वियसली तो इसमें स्पार्क हो रहा था, तो स्पार्क हो रहा था इसके वजह से। जब स्पार्क, जब वोल्टेज इसमें मतलब जो बेसिकली सॉन्ग्स जो प्ले होता है वो क्या होता है कि मतलब बेसिकली वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप होता है, डाउन होता है, फिर माइनस में चला जाता है, फिर पॉजिटिव में चला जाता है, तो ऐसे ही होते रहता है और उसी के अकॉर्डिंग स्पीकर जो है अपना रिस्पॉन्स देता है। तो हो मतलब मुझे लगा कि मतलब जब मैंने इस चिमटे को उसे शॉर्ट कर दिया, मतलब इसके आउटपुट को जो है तो शॉर्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो चिंगाड़ी मतलब स्पार्क कर रहा था। तो स्पार्क कर रहा था तो जब वोल्टेज ज़्यादा होता था, जैसे कि म्यूज़िक में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो स्पार्क की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सो ये प्ले होने लगा सॉन्ग इस चिमटे के थ्रू। तो मुझे ये अच्छा फेनोमेना लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो अभी बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो मैं आपको वो सॉन्ग इस चिमटे से प्ले करके दिखाऊंगा वॉल्यूम तेज करके, क्योंकि ये चिमटा शॉर्ट करने के बाद ये लाइट, ये जो देख रहे हैं एम्पलीफायर का लाइट, ये डिम हो जाता है क्योंकि ये शॉर्ट हो जाता है बेसिकली। तो मैंने पिछली बार जो शॉर्ट करके देखा था तो मतलब ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है एक यहाँ है और ये तीन इधर है और फिर तीन इधर है, तो ये ट्रांजिस्टर गर्म नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि शॉर्ट करने के बाद इसमें बेसिकली चार ट्रांजिस्टर ही होने चाहिए एक चैनल में। अभी एक चैनल मैंने ऑफ करके रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, और एक चैनल में मैंने टोटल के छः, गिनने दीजिए, आठ ट्रांजिस्टर है टोटल, मतलब एक चैनल में, सॉरी यार, हाँ आठ ट्रांजिस्टर है एक चैनल का, एक यहाँ पे भी है, मैंने गिनना छोड़ दिया है, भूल गया, इसके नीचे है, तो आठ ट्रांजिस्टर है एक चैनल पे। तो इसका मतलब कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है सो मतलब जितना इसका पावर है उससे ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब इस ट्रांजिस्टर में हीटिंग नहीं होता है क्योंकि कितना भी मतलब शॉर्ट कर देने के बाद भी हीटिंग नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा लोड सह सकता है, आठ ट्रांजिस्टर के मुकाबले इसका ट्रांसफॉर्मर उतना बड़ा नहीं है कि आठ ट्रांजिस्टर को एक साथ फीड कर सके। तो ये ट्रांजिस्टर ये ट्रांसफार्मर तो गर्म होने लगता है लेकिन ये ट्रांजिस्टर हल्का भी गर्म नहीं होता, हल्का सा होता है लेकिन उतना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना कम होने से। तो मेरे ख्याल से ये मुझे लगा था कि मतलब तो आठ ट्रांजिस्टर मतलब ये मतलब ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, तो लेकिन शॉर्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर हीट होता है, तो ट्रांसफार्मर भी हीट होता है, तो उससे वो तो अलग फेनोमेना आया कि ट्रांसफार्मर को हीट होने में भी 5-10 मिनट लगता है। इसके जो है सो ये इसका कॉइल तो तुरंत हीट हो जाता है लेकिन इसके जो ये आयरन का कोर है इसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हीट ट्रांसफर होने में कॉइल से कोर में, तो इसमें 5-10 मिनट लगता है। तो खैर जो भी हो, तो मैं अभी मतलब कोशिश करूँगा कि आपको जो है सो मतलब म्यूज़िक बैकग्राउंड में जो प्ले हो रहा है उसको इसके थ्रू मतलब इसको शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर लाइट डिम हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी ये डिम नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम इसका उतना ज़्यादा नहीं है। मैं अभी इसको वॉल्यूम तेज करूँगा और फिर आपको डिम करके दिखाता हूँ इस वीडियो मतलब। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका शॉर्ट कर दिया मैंने, तो इसके वजह से जो है सो ये लाइट एकदम डिम हो गया है और ये मतलब जो सॉन्ग के है उसके बीट के अनुसार जो है सो ये डिम हो रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है।
और इधर आप सुन सकते हैं आवाज। जब मैं हटा देता हूँ शॉर्ट सर्किट तो मतलब ये साउंड पीछे का स्पीकर जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है, और जब मैं लगाता हूँ तो ये पीछे से ये जो है मतलब ये क्या कहते हैं मतलब ये जो है चिमटा ये तेजी से गाना मतलब जो है सो प्रोड्यूस करने लगता है साउंड। तो आप सुन सकते हैं इसके साउंड। आपको साउंड आ रहा होगा, मैं इस चिमटे को हटाऊंगा तो ये साउंड तेज हो जाएगा क्योंकि पीछे का स्पीकर जो है सो तेजी से बढ़ने लगेगा। तो मैं अभी इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ, शॉर्ट भी हटा देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये चिमटा भी अभी थोड़ा सा गर्म हो गया है, मतलब हीट हो गया है, हीट अप हो गया है। और यहाँ से मैं मतलब यहाँ से जब ये मैंने शॉर्ट किया था और वॉल्यूम तेज किया था तो इस चिमटे में से जो है सो सॉन्ग प्ले हो रहा था, मतलब उतना बेस मतलब प्ले हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि मतलब एकदम बेस के साथ प्ले हो रहा था, वो बस हल्का सा प्ले हो रहा था और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ प्ले हो रहा था। ये नहीं कि एकदम बेस दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ प्ले हो रहा था। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि मतलब मतलब जब मतलब क्या कहते हैं ये अगर टेस्ला कॉइल में अगर मतलब ऐसे ही देखिए साउंड फिर से टेस्ला कॉइल में अगर इस तरीके से किया जाए मतलब कि साउंड को जो है सो मतलब कॉइल पे जो है सो वोल्टेज को जो है सो सॉन्ग के अनुसार जो है सो कम और ज़्यादा किया जाए तो हो सकता है टेस्ला कॉइल में भी इस तरीके से मतलब सॉन्ग जो है सो मतलब प्ले हो। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, वैसे सभी को तो मेरे ख्याल से नहीं समझ में आएगा, जो समझ गए होंगे जो वहाँ गीक हो जो इस वीडियो को जो गीक टाइप के लोग देख रहे होंगे तो उनके समझ में हो सकता है आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी लाइक कीजिए, वैसे ज़रूरी नहीं है मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।